नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब से हरभजन सिंह ने क्रिकेट को अलविदा कहा है तब से वो महेंद्र सिंह धोनी पर लगातार बयान दे रहे हैं, और हरभजन सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें टीम से बाहर करने के बाद जवाब भी नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर सवाल करना बंद कर दिया था। अब एक बार फिर से हरभजन सिंह ने कुछ ऐसा ही कहा है जिसे महेंद्र सिंह धोनी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हरभजन सिंह ने जो बात कही है वो 2015 विश्व कप से जुड़ी है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे युवराज सिंह, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को 2015 विश्व कप से क्यों बाहर किया गया समझ में नहीं आता है, और न ही इसका कभी जवाब मिला। हरभजन सिंह ने अपने बयान में कहा, मेरे सभी पुराने साथियों जैसे युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग के साथ एक और विश्व कप खेलना अच्छा होता। मैंने जब 400 टेस्ट विकेट लिए थे तब मैं सिर्फ 31 साल का था। 2011 में भी मैं 31 साल का था। 31 साल की उम्र में मैं अच्छा कर रहा था और उस समय खेलने वाले लोगों में कई खिलाड़ियों से ज्यादा फिट था। हरभजन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे कहा, 2011 विश्व कप के बाद क्या हुआ इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। इसके बाद हालांकि चीजें हमारे पक्ष में नहीं गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ और कौन इसके पीछे था, लेकिन जो हुआ वो जा चुका है, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यूवी, वीरो, गौती के साथ एक और विश्व कप खेलना अच्छा होता। हम लोग 2015 विश्व कप टीम का हिस्सा बनने के लिए काफी फिट थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरभजन सिंह ने इस बयान में ये तो कह दिया कि ये सब बातें बीत गई हैं, इस पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हरभजन सिंह लगातार महेंद्र सिंह धोनी के किस्से ही लगातार जुड़ी हुई चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 2015 विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान थे, और निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने जो टीम जब चुनी गई थी तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी बिल्कुल शामिल रहे होंगे। इसीलिए इशारों इशारों में एक बार फिर से हरभजन सिंह ने ये कह दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि इसके पीछे कौन था, लेकिन उन्हें गौतम गंभीर को, युवराज सिंह को और वीरेंद्र सहवाग को एक मौका विश्व कप 2015 में जरूर मिलना चाहिए था। फिलहाल हरभजन ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।